नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि SSSC और CET से संबंधित कंप्यूटर की क्लासेस हमारे चैनल पे चलती रहती है। पिछले लेक्चर के अंदर हम मेमोरी वाले चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेमोरी वाला चैप्टर चल रहा था। अब मेमोरी वाले चैप्टर के अंदर हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने पढ़ लिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी आज जो हम कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे वो सेकेंडरी मेमोरी का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर यानी कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये जरूर बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी को हम कितने भागों के अंदर बांटेंगे, यानी कि अलग अलग उनके नाम मैंने आपको बता दिए थे। तो सबसे पहले मेमोरी वाले चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो आखिरकार होती क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेकेंडरी मेमोरी को हिंदी में द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पे उसका हिंदी में नाम लिख देता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं इसको? द्वितीयक। क्या बोलते हैं? द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी यानी कि यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में भी इसका कंप्लीट नेम लिख देता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। इसी का एक दूसरा नाम होता है एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी, अब एक्सटर्नल का मतलब होता है बहाय, यानी कि बाह्य बोल सकते हैं इसको, बहाय बोल सकते हैं, कुछ बहाय बोल देते हैं, या फिर बाह्य मेमोरी भी हम कह सकते हैं इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और भी इसके सारे काफी नाम होते हैं, अलग अलग बुक्स में आपको मिल जाएंगे। इसी को एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, इसी को सप्लीमेंट्री मेमोरी भी कहते हैं, इसी को ऑक्सिलरी यानी सहायक मेमोरी भी बोलते हैं। तो यानी कि इसी एक मेमोरी के अनेक नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या होता है? यानी कि यह कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा स्थान होता है जिसके अंदर यूजर द्वारा किसी भी प्रकार की, जैसे कि मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ, यह कंप्यूटर में एक स्थान होता है। अब मेमोरी क्या होता है? जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि एक स्थान ही होता है, एक जगह ही होती है, स्पेस होता है जहां पे कुछ चीजें स्टोर की जाती है। यह कंप्यूटर में एक स्थान होता है जहां पर यूजर द्वारा स्थाई रूप से डाटा या सूचना को भंडारण किया जाता है या स्टोर किया जाता है। एक ही बात है, सूचना को स्टोर किया जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस वर्ड को ध्यान में रखना, स्थाई रूप से, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी या आपकी एक्सटर्नल मेमोरी ऐसा स्थान होती है कंप्यूटर के अंदर जहां पे यूजर के द्वारा स्थाई रूप से डेटा या सूचना को स्टोर करवाया जाता है। ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सेकेंडरी मेमोरी का जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर या प्रीवियस वीडियो के अंदर दिखाया था, वो वाला स्ट्रक्चर एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो यानी कि जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है उसको कितने भागों में बांटा जाता है? तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं, जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी ना आपको अलग अलग बुक के अंदर या अलग अलग टीचर के द्वारा अलग अलग पार्ट में विभाजित किया जाता है। मेरे अकॉर्डिंग में इसको दो भागों में विभाजित करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो मैं एक्सेस के आधार पे करता हूँ। कोई तो टीचर आपको चार प्रकार की मेमोरी बता देगा, ये कोई तीन प्रकार की बता देगा, उसी के सब पार्ट यानी कि चीजें सारी कवर होती है। कोई टीचर कैसे बता देता है, कोई कैसे बता देता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आने वाले जो सभी पार्ट है, लाइक मैग्नेटिक टेप है, हार्ड डिस्क है, आपकी फ्लॉपी डिस्क है, इसके अलावा आपकी CD, DVD, BRD है, मेमोरी कार्ड है या पेन ड्राइव है, ये सभी चीजें कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे विभाजित करने का तरीका एक थोड़ा सा समझ में आ जाए, इसलिए अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचर विभाजित करता है। अकॉर्डिंग टू मी या फिर मैं जिस हिसाब से समझाता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेकेंडरी मेमोरी को मैं दो भागों में बांटता हूँ। वो भी मैं किस आधार पर बांटता हूँ? एक्सेस के आधार पर बांटता हूँ। तो एक तो मैं बांटता हूँ सीक्वेंशियल एक्सेस पर आधारित, सीक्वेंशियल
सीक्वेंशियल एक्सेस पर आधारित है। ये एक्सेस तक ही लिख रहा हूं मैं, सीक्वेंशियल एक्सेस पर आधारित मेमोरी होगी। दूसरी मेमोरी होगी आपकी डायरेक्ट एक्सेस। ये क्लासिफिकेशन करने के बाद में, ये क्लासिफिकेशन हो सकता है प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने अलग स्ट्रक्चर बनाया हो, बट इस वीडियो के अंदर एक अच्छे तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब ये जो एक्सेस है, सीक्वेंशियल एक्सेस है और आपका डायरेक्ट एक्सेस है, इन दोनों एक्सेस को ये डायग्राम बनाने के बाद में मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद में फर्दर हमें मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी मेमोरी को हमने दो भागों में बांट लिया, एक सीक्वेंशियल आधारित मेमोरी, एक डायरेक्ट एक्सेस आधारित मेमोरी। अब सीक्वेंशियल एक्सेस का आगे फर्दर पार्ट देखें तो सीक्वेंशियल एक्सेस पर आधारित केवल और केवल एक मेमोरी होती है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम होता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, इसको मैग्नेटिक मेमोरी भी कहा जाता है। और मैग्नेटिक मेमोरी की कैटेगरी में डायरेक्ट एक्सेस में भी कुछ मेमोरीज आती हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में जो अगला पार्ट होता है सीधा डायरेक्ट एक्सेस के अंदर जाता है, सीधा डायरेक्ट एक्सेस के अंदर जाता है। जिस प्रकार मैग्नेटिक टेप सीक्वेंशियल एक्सेस पर आधारित मेमोरी थी, ऐसी एक मेमोरी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैग्नेटिक डिस्क। क्या होती है? मैग्नेटिक डिस्क। दूसरे टाइप की जो मेमोरी होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। एंड लास्ट एंड फाइनल जो पार्ट होता है डायरेक्ट एक्सेस का, तीसरा पार्ट होता है, उसको रिमूवेबल डिस्क या रिमूवेबल मेमोरी भी बोल सकते हैं, या साथ ही साथ में उसको फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। रिमूवेबल, रिमूवेबल या फिर फ्लैश मेमोरी, दोनों नाम मैं लिख देता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फ्लैश मेमोरी। तो ये आपके डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के तीन टाइप हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब जो मैग्नेटिक डिस्क होती है फर्दर इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है हार्ड डिस्क। क्या बोला जाता है? हार्ड डिस्क। दूसरा जो पार्ट होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों फर्दर, उसको कहा जाता है फ्लॉपी डिस्क। क्या कहा जाता है? फ्लॉपी डिस्क। यानी कि जिस प्रकार में डिवाइड कर रहा हूं सेकेंडरी मेमोरी को, आपको लास्ट के नाम देखने के बाद में पता चल रहा होगा, कोई भी टीचर या बुक में सिर्फ यही चीजें आपको बताई जाती है, मैग्नेटिक डिस्क, सॉरी मैग्नेटिक टेप, और मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क के बारे में बात करी जाती है। ऑप्टिकल डिस्क के जो टाइप होते हैं फर्दर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो तीन टाइप होते हैं। पहला होता है आपका सीडी, दूसरा होता है आपका डीवीडी, एंड थर्ड पार्ट आपका होता है वीआरटी। सीडी की जो फुल फॉर्म होती है वो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, डीवीडी की डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क होती है, वीआरटी की होती है ब्लू रे डिस्क। ठीक है, इन तीनों की फुल फॉर्म और इनके आगे फर्दर टाइप्स जो भी टाइप होंगे सीडी डीवीडी वीआरटी के, वो हम जब एक्सप्लेन करेंगे ऑप्टिकल डिस्क को तब हम करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रिमूवेबल डिस्क जो बेसिकली होती है, इसके अंदर एक तो पेन ड्राइव को गिना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन ड्राइव, और दूसरी जो होती है उसको मेमोरी कार्ड बोलते हैं। मेमोरी कार्ड, जिसको हम मोबाइल में डालने वाली चिप बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वही मेमोरी कार्ड होता है। इसी मेमोरी कार्ड का दूसरा नाम होता है एमएमसी। एमएमसी की फुल फॉर्म होती है मल्टीमीडिया कार्ड। क्या होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मल्टीमीडिया कार्ड एमएमसी की फुल फॉर्म होती है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंडरी मेमोरी का जो क्लासिफिकेशन है जो मैंने आपको बताया है, वो इस तरीके का क्लासिफिकेशन है कि हमने मेमोरी को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। एक तो सीक्वेंशियल एक्सेस आधारित मेमोरी होगी, एक आपकी हो गई डायरेक्ट एक्सेस आधारित मेमोरी होगी। तो सीक्वेंशियल एक्सेस के अंदर कौन सी मेमोरी आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मैग्नेटिक टेप आएगी। उसके बाद में आपकी जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, उस डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंदर मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, रिमूवेबल और फ्लैश मेमोरी को लिया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक टेप को करेंगे, लेकिन मैग्नेटिक टेप को करने से पहले मैं आपको दो वर्ड का मतलब जरूर समझाऊंगा, सीक्वेंशियल एक्सेस आधारित और डायरेक्ट एक्सेस आधारित, ये दोनों चीजें क्या होती है। तो ये जो एमएमसी है इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है मल्टीमीडिया कार्ड, CARD, ये आपकी
एमएमसी की मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पहले सीक्वेंशियल एक्सेस की और उसके बाद में डायरेक्ट एक्सेस की, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीक्वेंशियल एक्सेस। ये क्या होता है, सबसे पहले हमें एक्सेस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में इसकी कुछ कोई डेफिनेशन वगैरह हमें समझनी है। सबसे पहली बात, एक्सेस का मतलब होता है हिंदी के अंदर अगर बात करें तो उसको बोलते हैं पहुंच। क्या बोलते हैं? पहुंच। अब ये पहुंच क्या होता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमने डिवाइड किया था कंप्यूटर की मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी के अंदर तथा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर अब मेमोरी के अंदर दो काम होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक तो डेटा लिखा जाता है, चाहे प्राइमरी मेमोरी हो चाहे सेकेंडरी मेमोरी हो, डेटा को लिखना एक तो होता है लिखना, ठीक है, एक होता है दूसरा कार्य पढ़ना। अब ये लिखना और पढ़ना होता क्या है, इसी चीज को हम समझना चाहेंगे, उसके बाद में एक्सेस वर्ड का मतलब समझ में आएगा। देखिए चाहे प्राइमरी मेमोरी है चाहे सेकेंडरी मेमोरी है, मान लीजिए मेरे पास इनमें से कोई एक मेमोरी है, एक मेमोरी ब्लॉक में बना लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए मेरे पास एक ये मेमोरी का ब्लॉक था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर अलग अलग सेल, यानी कि मैंने जैसा कि आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था मेमोरी चैप्टर के अंदर कि मेमोरी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई होती है जिसको सेल कहा जाता है, और हर एक सेल का एक अपना एड्रेस होता है, उन्हीं सेल के अंदर क्या किया जाता है डेटा को स्टोर करवाया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी मेमोरी ब्लॉक हमारे पास खाली पड़ा है, लाइक पेन ड्राइव की तरह है या फिर कोई एमएमसी यानी मेमोरी कार्ड है, चिप है, उसके अंदर अगर हम कोई चीज डेटा डाल रहे हैं, डेटा या इंफॉर्मेशन क्या करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। स्टोर करना सेव करना एक ही बात होती है, खाली मेमोरी के अंदर हम कोई चीज इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रहे हैं तो उसको कंप्यूटर की भाषा में लिखना कहते हैं या राइट करना कहते हैं, राइट, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई। अब जो राइट किया हुआ डेटा है इट मींस वो क्या हो चुका है, मेमोरी के अंदर स्टोर हो चुका है। स्टोर होने के बाद में हम कभी ना कभी इन फ्यूचर उसको यूज करेंगे, उस यूज करने को हम कहते हैं कि डेटा रीड करना, और यही रीड करना क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ना होता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर चाहे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो भी खाली मेमोरी है अगर उसके अंदर कोई डेटा हम स्टोर करवा रहे हैं तो उसका मतलब होता है डेटा को राइट करना, और उसी स्टोर करवाए गए राइट किए गए डेटा को अगर हम यूज कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है डेटा को हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं। तो ये खाली क्या होता है, रीड तथा राइट करना, मेमोरी के अंदर डेटा को रीड तथा राइट किया जाता है। जब डेटा को रीड किया जाता है तो इट मींस उसके तक पहुंचा जा रहा है, उसी को बोलते हैं एक्सेस करना, ठीक है। डेटा को जब हम यूज कर रहे हैं तो उसको पढ़ना बोलते हैं तो उस तक पहुंचा जाता है उसको एक्सेस। अब ये एक्सेस दो तरीके का होता है जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक होता है आपका सीक्वेंशियल एक्सेस, दूसरा होता है आपका डायरेक्ट एक्सेस। अब सीक्वेंस का मतलब होता है कर्म अनुसार या क्रमबद्ध तरीके से, कर्मानुसार या क्रमबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस से चलना, कर्मानुसार चलना, ये एक आपका सीक्वेंशियल हो गया। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी क्लास के अंदर पढ़ते हो, आपके किसी सब्जेक्ट के टीचर ने आपका वाइवा या प्रैक्टिकल लेना शुरू किया। अब दो तरीके से आपका प्रैक्टिकल या वाइवा उस टीचर के द्वारा लिया जा सकता है, या तो वो आपको रोल नंबर वाइज बुलाएगा, यानी कि पहले रोल नंबर फर्स्ट आ जाइए, रोल नंबर सेकंड आइए, देन 3, 4, 5, यानी कि एक सीक्वेंस या क्रम के अनुसार चलेगा। या फिर टीचर के मन में ये बात भी आ सकती है कि आपका जो प्रैक्टिकल है या वाइवा है उस प्रैक्टिकल या वाइवा को बीच बीच में से स्टूडेंट को उठा के खड़ा करके ले, यानी कि पहले रोल नंबर 3 को बुला लिया, उसके बाद में मन में आया रोल नंबर 7 को बुला लिया, उसके बाद में 10 को बुला लिया, तो वो क्या होगा बीच बीच में, यानी सीधा डायरेक्टली किसी भी स्टूडेंट को बुलाया जा सकता है, तो वो डायरेक्ट एक्सेस हो गया। और क्रम अनुसार चल रहा है तो वो सीक्वेंस एक्सेस हो गया। तो यानी कि इस प्रकार के एक्सेस में, इसको लिख सकते हो आप, इस प्रकार के एक्सेस में मेमोरी में स्टोर या भंडारित डेटा स्टोर
डेटा एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाता है, एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाता है, पढ़ा कौन सा एक्सेस कहलाता है, ये सीक्वेंशियल एक्सेस कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि क्रमानुसार चलोगे, मान लीजिए इसी मेमोरी के अंदर पहले डेटा क्या था, मान लेते हैं पहले डेटा था यहाँ पे ए देन बी देन सी डी, मान लीजिए पहले ए को पढ़ा फिर बी पे पहुंचे फिर बी से सी पे पहुंचे फिर सी से डी पे पहुंचे, यानी कि नंबर वाइज चल रहे हैं, लाइन वाइज चल रहे हैं, तो कौन सा एक्सेस हो गया, सीक्वेंशियल एक्सेस हो गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट बारी आती है डायरेक्ट एक्सेस की बारी आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो नेक्स्ट आपका है वो क्या है, सेकेंड नंबर पे आपका है डायरेक्ट एक्सेस। अब डायरेक्ट एक्सेस इसका कोरस्पोंडिंग हो गया, इसका उल्टा हो गया, जैसा कि आपको सीक्वेंशियल एक्सेस पता लग गया ये क्रम अनुसार चला जाए तो सीक्वेंशियल एक्सेस हो गया, बीच बीच में से सीधे उठा लिया जाए तो वो सीधा पहुंच होगी यानी कि सीधी एक्सेस होगी। तो इसको डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा कहीं से भी डेटा को उठा लेना, ठीक है, सीधा एक्सेस करना। तो इस प्रकार के एक्सेस में, इस प्रकार के एक्सेस में, एक्सेस में डेटा को कहीं से भी उठाकर पढ़ा जा सकता है। तो ये तो थे आपके मेरे प्यारे विद्यार्थियों दो एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस या फिर सीक्वेंशियल एक्सेस। अब हमने सेकेंडरी मेमोरी को दो हिसाब किताब में बांटे हैं, डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस। तो सीक्वेंशियल एक्सेस को जैसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उस तरीके से सबसे पहली जो हमारी मेमोरी आती है उस मेमोरी का नाम क्या है, मैग्नेटिक टेप। जो सीक्वेंशियल एक्सेस पर आधारित हमने मेमोरी को बांटा था उसका नाम क्या था, मैग्नेटिक टेप। तो सबसे पहले हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, मैग्नेटिक टेप की बात करेंगे, मैग्नेटिक टेप की बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब ये मैग्नेटिक टेप को ना कार्ट्रिज टेप भी बोला जाता है, कार्ट्रिज टेप भी इसको बोला जाता है। अब ये मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है भाई, चुंबकीय, क्या होता है, चुंबकीय। मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय, यानी कि चिपका लेना, डेटा को ये अपने ऊपर चिपका लेती है। अब मैं आपको इसका एक डायग्रामेटिक रूप बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी बचपन की याद आ जाए, जिस जिसको पता है वो तो समझ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, नहीं भी समझेगा तो समझाना मेरा काम है। इस प्रकार की एक कैसेट होती थी, इस प्रकार की एक कैसेट होती थी जिसको हम कार्ट्रिज टेप या मैग्नेटिक टेप बोलते थे। उसके बीच में ऐसी कुछ दो फिरकियां होती थी, ऐसी फिरकियां होती थी, उसके चारों ओर से घूमती हुई एक रील होती थी, जैसे कि ऐसे मैं इसको रील बना देता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, और ऊपर से ये गुजरती हुई यहाँ रीड तथा राइट हेड को टच करती थी और कुछ इस प्रकार की रील थी, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, आपकी मैग्नेटिक टेप बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक टेप बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार की कुछ होती थी। सबसे पहले मेन बात, इसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर ढांचा है वो एक प्लास्टिक का बना होता था। वो किस प्रकार के प्लास्टिक का बना हुआ होता था, माइलर प्लास्टिक। कौन सा, माइलर प्लास्टिक, यानी कि ये माइलर प्लास्टिक की बनी हुई एक मैग्नेटिक टेप होती थी, एक कैसेट होती थी। मेनली ये दो प्रकार की होती थी, एक ऑडियो डेटा स्टोर करवाने के लिए, एक वीडियो डेटा स्टोर करवाने के लिए। वीडियो वाला डेटा मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार, जैसे कि आपने वीसीआर देखा होगा तो वीसीआर के अंदर पहले बहुत बड़ी बड़ी कैसेट्स आती थी, उन कैसेट्स का इस्तेमाल करके क्या किया जाता था, वीडियो फिल्म्स या मूवीज देखी जाती थी, तो वो तो वीसीआर में डलती थी। टेप रिकॉर्डर जो होता था उसके अंदर ऑडियो वाली कैसेट डलती थी मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। इसका ऊपर का हिस्सा माइलर प्लास्टिक से बना हुआ होता था। अब इंटरनल थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, बाह्य स्ट्रक्चर इसका माइलर प्लास्टिक का था, लेकिन ये वाली जो आप देख रहे हो इसको रील कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, रील कहा जाता था। इस रील की बेसिकली कितनी परत होती थी, दो परत होती थी। क्या अब भी अगर रील मिले, वैसे तो ये मार्केट से लुप्त होती जा रही है,
लेकिन अब भी मिले तो दो ही परत होती है, ठीक है। दोनों तरफ, अब इसके चुंबकीय वर्ड का मतलब हम समझेंगे, दोनों तरफ एक चुंबकीय पदार्थ होता था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसका नाम होता था आयरन, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। इस पदार्थ का इसकी दोनों परत पे लेपन रहता है, क्या लगता है, लेपन रहता है या लेप रहता है। इस लेप को करने की वजह से, इस रेल के दोनों तरफ चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड होने की वजह से डेटा को स्टोर करवाया जा सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बेसिकली जो ये रेल होती है, इस रेल की जो लंबाई जो होती है, क्योंकि इसको निकाल के अगर देखें, इसकी लंबाई जो होती है लगभग 50 फीट से 2500 फीट के बीच में होती है, लगभग 50 फीट से लेकर के 2500 फीट के बीच में इसकी लंबाई होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 0.5 इंच होती है। 0.5 इंच क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है, जो आपकी मैग्नेटिक टेप होती है, जो माइलर प्लास्टिक की बनी होती है। तो इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन आपको लिखवा देता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिख लीजिए आप कि मैग्नेटिक टेप क्या होती है। यह एक प्रकार की सीक्वेंशियल एक्सेस पर आधारित सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसका इस्तेमाल ऑडियो वीडियो तथा बैकअप डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, यानी कि बैकअप डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। बैकअप डेटा क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ओरिजिनल डेटा जो होता है, उस ओरिजिनल डेटा का जो कॉपी होती है, एक प्रतिलिपि होती है, उसको क्या कहा जाता है, बैकअप डेटा कहा जाता है। यानी कि आपकी ओरिजिनल लोकेशन से वो अगर वो डेटा डिलीट हो जाए, तो अगर आपके पास उस डेटा का बैकअप पड़ा है, तो आप इजीली उस चीज को क्या कर सकते हो, वहां से दोबारा कॉपी कर सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये तो क्या था, मैग्नेटिक टेप के बारे में था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस पर आधारित मेमोरी होती है। बेसिकली इसकी दो रील की परत होती है, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है उसको रील कहते हैं। 50 फीट से 2500 फीट तक इसकी लंबाई होती है, लगभग 0.5 इंच इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसको बचपन के अंदर खूब हमने तोड़ मरोड़ के खूब ऊपर आसमान में उड़ाई है, खूब हम खेले हैं। तो मैग्नेटिक टेप के बारे में हम कैसे बोल सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैग्नेटिक टेप इसके अंदर आती है, सीक्वेंशियल एक्सेस पर आधारित एक सेकेंडरी मेमोरी हो जाती है। आजकल मार्केट से लगभग ये लुप्त होती जा रही है। पहले के जमाने में, कुछ साल पहले अगर हम सोचें, तो इसको टैप रिकॉर्डर में चलाने के लिए तरह तरह के ऑडियो सॉन्ग्स वगैरह, MP3 सॉन्ग्स वगैरह हम इसके अंदर स्टोर करवाते थे या रिकॉर्डिंग करवाते थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो रिकॉर्डिंग करवाने के लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। तो ये तो थी मैग्नेटिक टेप मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे हम कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है हार्ड डिस्क, जो कि एक डायरेक्ट एक्सेस पर आधारित मैग्नेटिक डिस्क का पार्ट होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, उसके बाद में हम बात करेंगे हार्ड डिस्क के बारे में नेक्स्ट। चलिए अभी डायरेक्ट एक्सेस बेस मैग्नेटिक डिस्क के बारे में बात करते हैं, जो कि दो प्रकार की होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई मैग्नेटिक डिस्क का जो पार्ट है आपका,
मैग्नेटिक डिस्क, क्योंकि मैग्नेटिक टेप हम कर चुके हैं। अब डायरेक्ट एक्सेस बेस पे जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क है उसका एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है हार्ड डिस्क। इसके बारे में आप बात करते हैं। हार्ड डिस्क का मतलब होता है, हार्ड का मतलब होता है कठोर, ठीक है। एल्यूमिनियम का कठोर पत्रा या कठोर धातु से एक चौकोर शेप के अंदर होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार की एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होती है। इसके अंदर यहाँ पे ऊपर एल्यूमिनियम का पत्रा वगैरह लगा होता है और लगभग 4 या 6 पेज लगे होते हैं यहाँ पे। तो ये इसका आउटसाइड का स्ट्रक्चर होता है आपकी हार्ड डिस्क का। ये क्या है? आपकी हार्ड डिस्क है। क्या है? हार्ड डिस्क है। देखिए सबसे ज्यादा डेटा इसी के अंदर स्टोर करवाया जाता है। फिर से बात आती है मैग्नेटिक, मतलब ये भी एक चुंबकीय होती है, चुंबकीय डिस्क होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और चुंबकीय का मतलब है सीधा जहां भी मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक कोई नाम स्टोरेज डिवाइस के अंदर आ जाए तो आप समझ जाना उसके अंदर एक मैग्नेटिक या चुंबकीय पदार्थ होता है जिसका नाम होता है आयरन ऑक्साइड। यानी कि आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी सरफेस पे या किसी परत पे और वहीं पे डेटा स्टोर करवाया जाता है। इस पदार्थ का लेपन मैंने रील के ऊपर आपको मैग्नेटिक टेप के अंदर बता दिया, अभी आपको हार्ड डिस्क के अंदर भी बता दिया जाएगा। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों हार्ड डिस्क के बारे में। तो हार्ड डिस्क जो सर्वप्रथम बनाई गई थी, सबसे पहले हार्ड डिस्क को 13 सितंबर 1956 में दुनिया की पहली हार्ड डिस्क बनी थी। बनाने वाले कौन थे? बनाने वाले एक मनुष्य का नाम था रे, या फिर उसी को बोलते हैं रेनॉल्ड, पूरा नाम रेनॉल्ड भी बोल सकते हैं या रे भी बोल सकते हैं। आगे आ जाएगा आपका जॉनसन, रेनॉल्ड जॉनसन। इस बंदे ने एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की बात की जाए तो मेरे पहले विद्यार्थी 13 सितंबर 1956 को दुनिया की जो आपकी पहली हार्ड डिस्क है रेनॉल्ड जॉनसन के द्वारा बनाई गई थी। अगर कंपनी की बात कर ली जाए तो ये रेनॉल्ड जॉनसन कौन सी कंपनी में एम्प्लॉय थे? IBM कंपनी। यानी कि IBM कंपनी के द्वारा दुनिया की पहली जो हार्ड डिस्क है वो 13 सितंबर 1956 के अंदर बनाई गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि रेनॉल्ड जॉनसन के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? रेनॉल्ड जॉनसन के द्वारा बनाई गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर अभी फिलहाल की बात करी जाए तो ये तो दुनिया की पहली हार्ड डिस्क थी। अगर सबसे ज्यादा हार्ड डिस्क की बात करी जाए, सबसे ज्यादा दुनिया में HDD में इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा हार्ड डिस्क सीगेट कंपनी बनाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सीगेट कंपनी बनाती है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं सीगेट कंपनी सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर हार्ड डिस्क बनाती है। 13 सितंबर 1956 को रेनॉल्ड जॉनसन IBM के द्वारा पहली हार्ड डिस्क बनाई गई थी। हार्ड डिस्क मतलब कठोर डिस्क होती है। आउटर स्ट्रक्चर जो होता है इसका, बाह्य स्ट्रक्चर जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कैसा होता है? एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होता है जो कि हार्ड डिस्क होती है। इसके ऊपर लगभग 4 या 6 पेज होते हैं। ये वाले बात जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हार्ड डिस्क को क्या क्या नामों से जाना जाता है? एक तो ये वाला नाम जो होता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको फिक्स्ड ड्राइव भी कहते हैं, ठीक है, फिक्स्ड ड्राइव भी कहते हैं या डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसको ऑनलाइन मास स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, मास स्टोरेज ड्राइव या डिवाइस भी कहते हैं। तो ये क्या है? ऑनलाइन मास स्टोरेज, बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर करवाने के लिए। तो हार्ड डिस्क के बारे में हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि हार्ड डिस्क जो होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, हार्ड डिस्क एक प्रकार से डायरेक्ट एक्सेस पर
पर आधारित आधारित मैग्नेटिक मेमोरी होती है। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय मेमोरी होती है, मैग्नेटिक मेमोरी होती है। मैग्नेटिक मेमोरी होती है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में बहुत बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने के लिए तथा डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है, ले जाने के लिए किया जाता है। तो ये क्या है, हार्ड डिस्क के बारे में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हार्ड डिस्क की डेफिनेशन रहने वाली है ये। अगर आप इस हार्ड डिस्क की डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसको डिजिटली एनकोडेड डेटा को लगातार घूमते हुए प्लेटर पे स्टोर करवाने का कार्य कौन करता है, हार्ड डिस्क करती है। प्लेटर क्या होता है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अभी मैं जिक्र करूंगा, आपको बताऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि किस प्रकार हम हार्ड डिस्क के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, कहाँ ट्रैप होता है, कहाँ सेक्टर होता है, प्लेटर की कितनी परत होती है, रीड तथा राइट हैंड क्या होता है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका पीसी के ऊपर मदरबोर्ड के अंदर किसी एक तकनीक के द्वारा हार्ड डिस्क को जोड़ा जाता है। तो हार्ड डिस्क क्या होती है, तो हार्ड डिस्क जो होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक तो कंप्यूटर में फिक्स्ड हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, फिक्स्ड होती है, जिसको कभी निकाला नहीं जा सकता, फिक्स्ड एचडीडी, ये मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स होती है लैपटॉप वगैरह के अंदर। तो वो फिक्स्ड हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, एचडीडी होती है, जिसको हम निकाल नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते। इसके अलावा जिसको रिमूव कर सकते हैं वो पोर्टेबल हार्ड डिस्क होती है, कौन सी होती है, पोर्टेबल या यूएसबी हार्ड डिस्क आजकल आती है ना, पोर्टेबल हार्ड डिस्क होती है, वो कौन सी होती है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क होती है। अब ना इस हार्ड डिस्क को ना मदरबोर्ड के साथ में जोड़ा जाता है, मदरबोर्ड क्या होता है आपको पता ही होगा, आपका जो मदरबोर्ड होता है इसको पीसीबी बोर्ड भी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसका फुल फॉर्म होती है, जिसका पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब ये एक ऐसा सर्किट बोर्ड होता है जिसके ऊपर सभी उपकरणों को जोड़ा जाता है, सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इसी के साथ में जोड़ा जाता है, कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए। तो हार्ड डिस्क को जब मदरबोर्ड के साथ में जोड़ते हैं तो मेन टू से बोल सकते हैं कनेक्ट टू, तो जो कनेक्टिविटी की जाती है कनेक्ट टू, ये जो तकनीक होती है वो कौन कौन सी तकनीक होती है भी हार्ड डिस्क को जिससे जोड़ सकते हैं। वैसे तो काफी सारी तकनीक थी, मेनली जो अभी जो लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट है जिसको SSD बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको SSD बोलते हैं, एक तो होती है SSD, एक इसके अलावा सेकंड नंबर होती है जो पुरानी चलती हुई आ रही है, एक होती है पाटा, एक होती है आपकी साटा। ये क्या है, एक हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए या जोड़ने की तकनीक होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सबसे फास्ट होती है, सबसे लेटेस्ट या नवीनतम है, अभी चल रही है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ होती थी लेकिन आपके HSSC और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि SCI होती थी, SCSI होती थी, तो वो वाली इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा आपकी जो पाटा होती है ये होती है पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैच, क्या होती है अटैचमेंट। इसके बाद में आपकी साटा भी, ये होती है सीरियल
एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैच क्या होती है, ठीक है। यानी कि ये तीन अलग अलग तकनीक होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिनकी मदद से आपकी हार्ड डिस्क को क्या है, एक मदरबोर्ड के साथ में अटैच किया जाता है या कनेक्ट किया जाता है। सिर्फ इनके नाम या फोटो में आपको याद रखना जरूरी है, बाकी इनके बारे में इतना डीपली नहीं पूछा जाता है। ये एक प्रकार का इंटरफेस होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है इंटरफेस होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतरफलक, क्या बोलते हैं, अंतरफलक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतरफलक बोलते हैं। तो ये एक इंटरफेस होता है कनेक्टिविटी देने के लिए मदरबोर्ड के साथ में, हार्ड डिस्क को अलग अलग तकनीक के साथ में जोड़ा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हार्ड डिस्क के बारे में था। इसके बाद में हम जो बात करते हैं, एक प्रत्येक लेटर की बात करते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक चौकोर आकृति की रेक्टेंगुलर शेप के अंदर क्या होती है, आपकी एच डी डी या हार्ड डिस्क होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जब इसको खोलते हैं, खोलने के बाद के अंदर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, जिसके अंदर से काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार पूछ भी लिया जाता है भी, वो चीज क्या होती है। जब इसको खोला जाता है, खोलने के बाद में इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। जैसे कि इसके अंदर प्लेटर निकलते हैं, वो प्लेटर गोल आकृति के होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे कि मैंने तीन प्लेटर यहाँ पे मैं एक बार बना देता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये गोल आकृति की सीढ़ी की तरह जो तवे की तरह जो होती है कुछ इस प्रकार की, इनको प्लेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनको प्लेटर कहा जाता है। और ये प्लेटर पता है किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम पदार्थ के बने होते हैं। किस पदार्थ के बने होते हैं, एल्यूमिनियम की बनी हुई ये प्लेटें होती है, जिनको हार्ड डिस्क के इंटरनल स्ट्रक्चर से अगर निकाल के देखा जाए, इनको एक्सप्लेन किया जाए, तो ये प्लेटर होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और इनको जो जोड़ा जाता है वो किस से जोड़ा जाता है, तो इनके बीच में एक रूटर की तरह, जिस प्रकार हमारे फैन के अंदर या पंखे के अंदर रूटर होता है, रोड होती है बीच में पंखे को घुमाने के लिए, तो एक वर्टिकल इसके बीच में एक असेंबली के साथ में जुड़ा हुआ एक रोड होती है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो कि इसको आपस में जोड़ती है, सभी प्लेटर को आपस में एक असेंबली के ऊपर जोड़ती है, ठीक है। ये मान लीजिए एक असेंबली हो गई, बिल्कुल ऐसे साइड में खड़ी हुई, ये इसको क्या बोला जाता है, स्पाइंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पाइंडल के साथ में सभी प्लेटर को जोड़ा जाता है, क्या है, जोड़ा जाता है। तो ये आपको क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्पाइंडल हो गया। इसके बाद भी यहाँ जो ये असेंबली होती है, हर एक प्लेटर के ऊपर रीड तथा राइट हैंड होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और एक प्लेटर के ऊपर कितने होते हैं, दो रीड तथा राइट हैंड होते हैं। कितने होते हैं, दो रीड तथा राइट हैंड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ये हो गया ऊपर और एक ये नीचे की तरफ हो गया, इसका नीचे की तरफ ये वाला हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका ऊपर की तरफ ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रीड तथा राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है। रीड तथा राइट हैंड इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रीड राइट हैंड। अब ये रीड राइट हैंड, रीड तथा राइट वर्ड के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, रीड मतलब पढ़ना, स्टोर किए गए डेटा को पढ़ना, राइट मतलब अगर कोई खाली जगह है वहां पे डेटा को स्टोर करवाना चाहते हैं, सेव करवाना चाहते हैं, तो वो राइट करना होता है। तो रीड तथा राइट हैंड का यही काम होता है प्लेटर के अंदर सेव डेटा को पढ़ना। इसके बाद में बारी आती है जो आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्लेटर होता है इसके एक तो ऊपरी परत होती है, एक तो ऊपरी और एक निचली परत होती है, ठीक है। यानी कि ये टोटल कितनी परत होगी, दो परत होगी, कितनी परत होगी, हर एक प्लेटर के ऊपर की तरह एक तरफ एक नीचे की तरह प्लेट होती है, सॉरी परत होती है, और ये परत दो होती है, इसीलिए आपके रीड तथा राइट हैंड प्रत्येक प्लेटर के लिए दो होते हैं, एक नीचे का डेटा पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, एक ऊपर का डेटा पढ़ने के लिए तथा लिखने के लिए, ठीक है। अब इन दोनों परत में उसी पदार्थ आयरन ऑक्साइड, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं, आयरन ऑक्साइड का क्या रहता है, लेपन रहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आयरन ऑक्साइड, इसी लेपन होने की वजह से यहाँ पे डेटा स्टोर करवाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या करवाया जाता है, स्टोर करवाया जाता है। तो इस
इसके बाद में ये तो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को निकाला जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ एक सिंगल प्लेटर का, प्लेटर के ऊपर कैसे डेटा स्टोर होता है और क्या क्या चीजें होती है। उससे पहले मैं मेरे विद्यार्थियों आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो एक शेप बनती है कुछ किसी प्रकार की, मैं डॉट डॉट लगा करके एक शेप बना देता हूँ, उस शेप का नाम क्या होता है आपका, सिलेंडर होता है। क्या होता है? सिलेंडर होता है, ठीक है। ये चीजें पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। अब ये मैंने डॉट डॉट लगा करके या फिर जो आपकी लाइन लगाई है, मैंने वर्टिकल लाइन जो लगाई है, इन लाइन की वजह से आपको एक शेप दिखाई दे रही होगी गोलाकार आकृति की, इसको हम बोलते हैं क्या, सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर वर्ड को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ मेरे पहले विद्यार्थी, इसको सिलेंडर क्यों कहा जाता है। अगर आप एग्जाम्पल लें किसी शादी ब्याह का या मैरिज का, जब हम मैरिज के अंदर खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहां पे हम किसी एक ऐसी टेबल को पाते हैं जहां पे कुछ प्लेट्स, कटोरी, गिलास वगैरह खाने पीने के लिए बर्तन रखे हुए होते हैं, और उस टेबल की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्लेट होती है वो एक प्लेट के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, यानी इस तरह से प्लेट को वहां पे रखा हुआ होता है, यानी कि एक ऐसी शेप बन जाती है प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट। तो वो शेप जो दिखती है गोलाकार आकृति की, वो ऐसी दिखती है जैसा कि हमारे रसोई घर में रखा हुआ गैस का सिलेंडर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी प्लेटर के ऊपर प्लेटर होता है, तो सेम टू सेम उन प्लेटों की जैसे ही ये शेप बना लेती है, इसीलिए इस आकृति को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिलेंडर कहा जाता है। चलिए ये तो बाकी की चीजें हो गई, अब हम प्लेटर के बारे में एक सिंगल प्लेटर को यहाँ निकाल के डिस्कस करते हैं कि एक जो सिंगल प्लेटर होता है वो किस प्रकार से अंदर से होता है, ठीक है। अभी गोलाकार आकृति की मैंने एक प्लेटर को बाहर निकाल लिया, अब इसके अंदर क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक पर्टिकुलर प्लेटर के अंदर ट्रैक्स बने हुए होते हैं, ठीक है, राउंड बने होते हैं, समकेंद्रीय वलय बने होते हैं, ठीक है, जैसे एक हो गया, दो हो गया। जो रेस लगाने वाला, फिजिकल की तैयारी करने वाला जो ग्राउंड होता है जिसमें हम गोल गोल चक्कर मार के रेस पूरी करते हैं, उसको हम ट्रैक कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ भी प्लेटर में एक पूरा कंप्लीट राउंड जो होता है उसको हिंदी में तो समकेंद्रीय वलय कहते हैं, समकेंद्रीय, समकेंद्रीय वलय, यानी कि एक कंप्लीट पूरा राउंड जिसको क्या बोला जाएगा, ट्रैक, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, ट्रैक बोला जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक कंप्लीट राउंड को क्या कहेंगे, ट्रैक है। इसी ट्रैक के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो किस चीज के अंदर स्टोर होता है, तो इस ट्रैक को बहुत सारे छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, जैसे कि मैं यहाँ से ऐसे बांट दिया, जैसे कि मैं ऐसे बांट दिया, फिर ऐसे बांट दिया, फिर ऐसे बांट दिया, फिर कुछ इस प्रकार से ऐसे करते करते मैं इसके काफी सारे भाग बना दूंगा, तो एक जो पर्टिकुलर इसका जो भाग नजर आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस भाग को क्या कहा जाता है, सेक्टर कहा जाता है। जैसे कि किसी शहर के अंदर एक कॉलोनी काट दी जाती है या कोई सेक्टर काट दिया जाता है, तो वो एक सिटी के अंदर है पर्टिकुलर कॉलोनी या कोई पर्टिकुलर जगह हो जाती है। तो यहाँ पे एक पूरे प्लेटर के ऊपर एक ट्रैक है, उस ट्रैक को छोटे छोटे भागों में बांट दिया, तो वो पर्टिकुलर छोटा सा जो भाग है जिसको मैं अभी येलो कलर का कर रहा हूँ, वो भाग क्या कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका सेक्टर कहलाएगा। तो जिसको मैं अभी अलग कलर से इंगित कर रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हार्ड डिस्क के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर सेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक सेक्टर हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेक्टर हो गया। सबसे पहले ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया हार्ड डिस्क का, उसके बाद में एक पर्टिकुलर प्लेटर को लिया, प्लेटर किन भागों में बंटा होता है, ट्रैक यानी समकेंद्रीय वलय कंप्लीट चक्कर के अंदर बंटा हुआ होता है, एक चक्कर के अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, और एक पर्टिकुलर भाग क्या कहलाता है, एक सेक्टर कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और एक सेक्टर के अंदर हम 512 बाइट के रूप में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, या फिर 1024 बाइट के रूप में कर सकते हैं, या 2048 बाइट के रूप में कर सकते हैं, या 4096
बाइट के रूप में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी हार्ड डिस्क की मेमोरी कितनी है, उसकी फाइल एलोकेशन टेबल कैसी है या फाइल सिस्टम कैसा है, डिपेंड्स ऑन हार्ड डिस्क कि 512 आएगा, 1024 आएगा, 2048 आएगा या 4096 आएगा। तो मिनिमम 512 बाइट डेटा एक सेक्टर के अंदर स्टोर करवाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा अगर लगातार एक ट्रैक के मैं दो या दो से अधिक सेक्टर को सेलेक्ट कर लेता हूं लगातार, जैसे कि मान लीजिए मैं यहां से चलने के बाद में मैंने ये पहला सेक्टर लिया, फिर मैं दूसरे में एंटर कर गया, फिर मैं तीसरे में एंटर कर गया, तो लगातार एक सीक्वेंस के अंदर, एक ही ट्रैक के अंदर मैंने कितने सेक्टर सेलेक्ट कर लिए, तीन सेक्टर सेलेक्ट कर लिए। और इन तीन सेक्टर को सेलेक्ट करने के बाद में इसको क्या नाम दिया जाएगा, क्लस्टर। क्या नाम दिया जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लस्टर। यानी कि लगातार सेलेक्ट किए गए दो या दो से अधिक जो सेक्टर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्लस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लस्टर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पूरा एक प्लेटर हो गया, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, दो ऊपर या नीचे दो परत होती है, दोनों पे आयरन ऑक्साइड की लेपन लगा हुआ होता है, लेपन लगा होता है तभी डेटा स्टोर करवाया जाता है। जब डेटा स्टोर होता है तो वो ट्रैक एंड सेक्टर के अंदर होता है, पहले ट्रैक होते हैं फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए भाग होते हैं, उनको सेक्टर कहा जाता है। एक सेक्टर की सबसे छोटी सी छोटी इकाई डेटा होती है, क्या होती है, डेटा होती है, ठीक है। डेटा इसके अंदर स्टोर करवाया जाता है, एक अकेला ये पार्ट क्या हो गया, सेक्टर हो गया। लगातार दो या दो से अधिक एक ही ट्रैक के अंदर सेक्टर सेलेक्ट कर लिए तो क्या कहा जाएगा, उनको क्लस्टर कहा जाएगा मेरे मेरे विद्यार्थियों। क्या कहा जाएगा, क्लस्टर कहा जाएगा। तो एक बार अगर आप इस हार्ड डिस्क के इंटरनल स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे मेरे विद्यार्थियों। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसके अंदर जो ट्रैक एंड सेक्टर है, अगर ट्रैक को देखा जाए तो सबसे पहला ट्रैक जो होता है ना, बाहर से गिनना शुरू करते हैं, ये सबसे फर्स्ट ट्रैक गिना जाएगा। और इसकी गिनती कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि ये जीरो नंबर का ट्रैक है, ये वन नंबर है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, एंड लास्ट वन इज फाइव है। यानी कि टोटल कितने हुए, एक दो तीन चार पांच छह, टोटल छह तो ट्रैक हो गए इस प्लेटर के अंदर, लेकिन गिनती कहां तक पहुंची, पांच तक पहुंची। तो यानी कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रैक दे रखे हो, लास्ट वाला ट्रैक निकालना हो, मान लीजिए ये वाला ट्रैक है, तो ये लास्ट वाला ट्रैक क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका एन माइनस वन होगा। एन माइनस वन लास्ट वाला जो ट्रैक है, निकालने का तरीका है आपका एन माइनस वन। एंड मतलब नंबर ऑफ ट्रैक्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रैक। पहला तो ट्रैक हमें पता है ये जीरो ही होता है क्योंकि जीरो से काउंटिंग स्टार्ट होगी। लास्ट वाला ट्रैक निकालने का मतलब क्या हो गया, एन माइनस वन होता है। जब इसके अंदर डेटा स्टोर करवाया जाता है, उस डेटा तक पहुंचने के लिए रीड तथा राइट करना, क्योंकि इसके अंदर आप डेटा स्टोर करवाएंगे तो राइट करना होगा, उसको अगर यूज करेंगे तो रीड करना होगा। तो डेटा को रीड करने के लिए उसके अंदर जो समय लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको हम बोलते हैं डिस्क टाइम। क्या बोलते हैं, डिस्क टाइम। अब हम बात करेंगे किसकी, डिस्क टाइम की बात करेंगे। और एक हार्ड डिस्क के अंदर जो डिस्क टाइम होता है वो बेसिकली तीन प्रकार का होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नंबर वन आपका होता है सीक टाइम। क्या होता है आपका, सीक टाइम, ठीक है। नंबर टू आपका होता है रोटेशनल लेटेंसी टाइम, रोटेशनल लेटेंसी टाइम, लेटेंसी टाइम। इसको केवल और केवल लेटेंसी टाइम भी बोल देते हैं मेरे घर में जाती हो। लास्ट एंड फाइनल आपका हो गया एक्सेस टाइम। क्या हो गया आपका, एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्क टाइम हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी टाइम और आपका एक्सेस टाइम, ठीक है। तो आपका सीक टाइम क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि जो आपकी ये हार्ड डिस्क का प्लेटर है इसको ट्रैक में हमने बांटा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ट्रैक्स के अंदर क्या होते हैं,
हमारे सेक्टर होते हैं, क्या होते हैं, सेक्टर होते हैं। अब इनको सेक्टर में बांटा गया है। अब मैंने आपको बताया था कि डेटा को रीड तथा राइट करने के लिए एक हेड होता है, ठीक है, एक नीचे की तरफ होता है, एक ऊपर की तरफ। अब मान लीजिए इस ट्रैक नंबर जीरो पे हमारा रीड तथा राइट हेड है और यहाँ कोई डेटा वन नाम से कोई डेटा पड़ा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस डेटा को हम पढ़ना चाहते हैं तो रीड तथा राइट हेड को, इस डेटा को रीड करने के लिए तो ट्रैक बदलना पड़ेगा और उसके बाद में फिर इस सेक्टर पर पहुंचना पड़ेगा। तो दो काम हो गए, एक ट्रैक से संबंधित ट्रैक में जाना और उस ट्रैक में जाने के बाद में सेक्टर पर पहुंचने में जो इंतजार किया वो वाला समय। तो ये दोनों कौन से होते हैं, रोटेशनल और सीक टाइम होते हैं, ठीक है। सीक टाइम क्या हो गया, एक ट्रैक से संबंधित ट्रैक पर पहुंचने में लगा समय। ये तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आपका सीक टाइम हो गया, सीक टाइम हो गया। इसके बाद में बारी आती है आपके रोटेशनल लेटेंसी टाइम की। अब पर्टिकुलर इस ट्रैक पर तो पहुंच गए, उसके बाद में हमें पहुंचना कहां पे है, उस पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है, संबंधित सेक्टर पर पहुंचने में या इंतजार में लगा समय कौन सा समय होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोटेशनल लेटेंसी टाइम होता है, रोटेशनल लेटेंसी समय होता है। और एक्सेस टाइम में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, एक्सेस टाइम क्या होता है, सीक टाइम को किसके साथ में जोड़ दो, प्लस में रोटेशनल लेटेंसी टाइम को जोड़ दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका कौन सा समय बन जाएगा, एक्सेस टाइम बन जाएगा। कौन सा टाइम बन जाएगा, एक्सेस टाइम। यानी कि रोटेशनल लेटेंसी टाइम प्लस में सीक टाइम किसके बराबर होता है, एक्सेस टाइम। यानी कि दोनों का जोड़ कर दो आपका एक्सेस टाइम हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा सीक टाइम क्या होता है, एक ट्रैक से संबंधित ट्रैक में पहुंचने में लगने वाला जो समय होता है वो आपका सीक टाइम होता है। रोटेशनल लेटेंसी टाइम क्या होता है, संबंधित सेक्टर। सॉरी, ये सेक्टर की जो स्पेलिंग है गलत हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए इसकी स्पेलिंग को थोड़ा ठीक कर लेना, सेक्टर SECTOR आएगा, ठीक है, सेक्टर। संबंधित सेक्टर पर पहुंचने में या इंतजार में लगा समय क्या होता है आपका, रोटेशनल लेटेंसी टाइम होता है मेरे विद्यार्थियों। एक्सेस टाइम क्या होता है आपका, सीक टाइम तथा आपके रोटेशनल लेटेंसी टाइम को जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस टाइम हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये तो था आपका डिस्क टाइम। डिस्क टाइम के बारे में दो छोटी छोटी बातें आती है, एक तो हम बात कर लेते हैं जो हार्ड डिस्क का जो साइज होता है वो साइज किस प्रकार का होता है। तो हार्ड डिस्क का जो आपका साइज होता है वो इंच के हिसाब से होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक तो आपकी 3.5 इंच की हार्ड डिस्क आती है, ठीक है जी, 3.5 इंच की हार्ड डिस्क आती है, एक आपकी 5 इंच की हार्ड डिस्क आती है और एक आपकी आती है 8 इंच की हार्ड डिस्क आती है। इन्हीं साइज की वजह से आपके प्लेटर का साइज भी या उसका व्यास जो होता है वो निर्भर करता है कि 3.5 इंच की चौड़ाई वाली आपकी हार्ड डिस्क है या फिर आपकी 5 इंच वाली है या 8 इंच वाली है। तो ये तो आपकी क्या हो गए, हार्ड डिस्क के साइज हो गए। एक आपकी हार्ड डिस्क की स्पीड भी होती है, हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है वो किसमें मापी जाती है, RPM में, ठीक है। RPM का मतलब होता है रोटेशनल, यानी कितने चक्कर, रोटेशनल, P4 per M4 minute, RPM में इसकी स्पीड मापी जाती है। तो जो स्पीड होती है एक हार्ड डिस्क की नॉर्मली 3600 चक्कर से लेकर के 3600 से 7200 RPM तक होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये आपके एक हार्ड डिस्क की नॉर्मल स्पीड होती है 3600 से 7200 RPM में
इसके रोटेशनल पर मिनट तक इसकी स्पीड मापी जाती है किसी भी हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क के जो साइज होते हैं वो 3.5 इंच 5 इंच तथा 8 इंच होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क कौन सी कंपनी बनाती है आपकी? सीगेट कंपनी बनाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे लगभग अपने 1 आवर के करीब क्लास होने जा रही है। तो यहाँ पर हमने सेकेंडरी मेमोरी के कंसेप्ट में मैग्नेटिक टेप को कंप्लीट कर लिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा हमने मैग्नेटिक डिस्क का एक पार्ट जो आपका हार्ड डिस्क होता है उसको लगभग कंप्लीट कर लिया है। कल वाली जो क्लास होगी उसके अंदर हम फ्लॉपी डिस्क के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इतने आप रिविजन कीजिए। होप सो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो एक लाइक ज़रूर दे देना वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और साथ में हमारा चैनल है सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके ताकि आपकी पढ़ाई ख़राब ना हो। और साथ ही साथ में मैं कोशिश करूँगा चैनल के ऊपर कुछ अलग सब्जेक्ट की भी क्लासेस लाने की हमारी कोशिश रहेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि जैसा कि आप चैनल का बैकग्राउंड अपना देख रहे हो तो सारी क्लासेस कंप्यूटर की ही रही है, चाहे वो 9th 10th या फिर अदर क्लासेस की हो, चाहे वो HSSC या CET से संबंधित क्लास हो। कोशिश रहेगी हिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास भी आपको प्रोवाइड करवाई जाए जो कि HSSC CET के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और अदर चाहे वो रेलवे NTPC या फिर आपका इंडिया लेवल का एग्ज़ाम या फिर आपका स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे पंजाब राजस्थान UP मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा वगैरह वगैरह, इन सभी के लिए भी अच्छी अच्छी क्लासेस आपके लिए आती रहेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के दौरान। थैंक यू।